फोर्स की पत्नी टूनी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुन्नू और टूनी जंगल में सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे और वही जंगल की एक छोटी सी डाल में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। टूनी दोबारा गर्भवती थी इसलिए वो डाल के आसपास ही आते जाते पंछियों को सामान बेचती थी। एक दिन टूनी, नदी के उस पार आने जाने वाले पक्षियों की काफी भीड़ लगी रहती है, मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। अरे जी, इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, नदी किनारे तेज हवाएं भी बहुत चलती हैं। उसके बाद टुन्नू नदी किनारे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया ये खिलौना, आपके बच्चे के लिए गुब्बारा ले लो भैया। अरे ओ चिड़े, ये गुड़िया कितने की है? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए की? 10 रुपए की लगा, बता दे रहा है या नहीं। तभी इतनी देर में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। ले लो आप 10 रुपए ही दे दो। टुन्नू 10 रुपए लेकर जैसे ही हरी काका को गुड़िया पकड़ा कर पलटता है, एक तेज हवा का झोंका उसे सीधे अपने साथ नदी में ले जाता है। टुन्नू वही नदी में डूब कर मर जाता है। टुन्नू के साथ एक कालू नाम का कौआ था जो टुन्नू के साथ सामान बेचता था। वो ये दुर्घटना देख लेता है और टूनी को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे क्यों छोड़कर चले गए टुनटुनी के बापू। बापू आप कहाँ चले गए, बोलो बापू। टूनी टुनटुनी के हाथ से टुन्नू का अंतिम संस्कार करती है। टुन्नू के मर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर जंगल में गुब्बारे बेचती थी। एक दिन टुनटुनी तू यहीं पिंकी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है इसलिए तुम दोनों यहीं रहना, मैं कुछ गुब्बारे और गुड़िया बेचकर पिंकी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। टूनी गुब्बारे बेचने चली जाती है। साहब ये गुड़िया ले लो, 10 रुपए में 2 गुड़िया हैं। ले लो ना साहब, ले लो बेबी जी ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। टूनी बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक हरी ताई टूनी के पास आती है। टूनी कल हमें ये घोंसला खाली करना पड़ेगा, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो जंगल में 100 रुपए किराए पर एक घोंसला ले लिया है, बस तुझे ये खबर देने आई थी। हे भगवान, इस मानसून के मौसम में अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, अपने बच्चों के रहने के लिए घर कहाँ से लाऊंगी। टूनी अपनी बच्चियों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक हवाई मोटर पलट जाता है और एक कबूतरी हवाई मोटर से गिर जाती है। टूनी उड़ती हुई कबूतरी के पास जाती है। ओ भैया, कैसे हवाई मोटर चला रहा था, देखकर नहीं चलाया जाता, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। टूनी उस कबूतरी को संभालते हुए अपनी बच्चियों के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। टुनटुनी जा जल्दी से उस डॉक्टर को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस कबूतरी को देखता है। देखिए इनके दोनों पंख बहुत जख्मी हो गए हैं, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य है उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर मैं नहीं जानती ये कौन है, इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई, डॉक्टर इन्हें कब तक होश आएगा तभी ये अपने बारे में बता पाएंगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस कबूतरी को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम बबली कबूतरी है, पता नहीं उस हवाई मोटर वाले ने कैसी हवाई मोटर चलाई, अचानक से पेड़ से ठोकर लगी और हवाई मोटर पलट गई। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है, तुमने मुझे उठाया था और मुझे यहाँ ले आई। माँ जी आपके पंख अब जख्मी हो गए हैं इसलिए आपको घर ले जाने के लिए हवाई मोटर की व्यवस्था करनी होगी। बेटी मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो, हवाई मोटर से घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक हवाई मोटर की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। टूनी बबली कबूतरी को हवाई मोटर में घर तक लेकर आती है। बबली कबूतरी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी जो टूनी के रूप में उन्हें मिली। घर पहुंचकर बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर को फोन पर सारी बात बताती है। टूनी मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही आ रहे हैं, क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो। टूनी बबली कबूतरी की बातों को सुनकर रोने लगती है।
क्या हुआ टूनी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया ही मेरे लिए। टूनी बबली कबूतरी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर बबली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटी बच्चियों को लेकर कहां जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चियों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चियां भी तुम्हारे साथ भूखी है। अम्मा जी पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। टूनी बबली कबूतरी और टुनटुनी को खाना देती है और पिंकी के लिए भी खिचड़ी गरम करती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है, वो भी टूनी का धन्यवाद करता है। टूनी बेटी, तुमने बबली कबूतरी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे बबली कबूतरी की तबीयत में सुधार होने लगता है। एक महीने बाद बबली कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए, मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर धन्य हो गई। आपने मेरी बच्चियों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सुनो टूनी, पिंकी और टुनटुनी मुझे नानी माँ कहकर बुलाती है, क्या ये बच्चियाँ हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकती? हाँ टूनी बेटी, हमारी कोई औलाद नहीं है, पर टुनटुनी और पिंकी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने बबली कबूतरी की माँ जैसी सेवा की है। बेटा हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। टूनी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, बेसहारा को सहारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी वहीं रहने लगती है। टूनी टुनटुनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसकी सौतेली बेटी थी। अरे करमजली, इतनी देर लगती है पानी भरने में, अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? माँ मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। तभी टूनी का बेटा वहाँ आता है। माँ बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मेरे लाल तो उठ गया, मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। ओ टुनटुनी महारानी, जा जाके पहले मेरे बेटे के लिए खाना बना दे। माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। अच्छा मेरा राजा बेटा आज फल खाएगा, तो मैं फल ही खिलाऊंगी। टुनटुनी पहले जा नीली नदी से शरीफा तोड़कर लेकर आ, मेरे बेटे का मन आज फल खाने को है, तो आज घर में शरीफा फल खाएंगे। हाँ माँ अभी जाती हूँ। टुनटुनी शरीफा फल तोड़ने के लिए नदी पार जाती है और वहाँ बैठ कर रोने लगती है। माँ तूने मुझे कैसी जिंदगी दे दी, मुझे भी अपने साथ ले गई होती माँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती। माँ कहाँ हो तुम? माँ मेरे सामने एक बार आओ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती माँ, तुम्हें मेरे दर्द दिखाई नहीं देता? तभी उस नदी पार पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ है बेटा, तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम करवाती है। लेकिन तेरे पापा वो तेरी माँ को कुछ नहीं कहते? पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मैं जब भी उनसे कुछ कहने जाती हूँ मेरी माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने पास रखूंगी और तुझे एक माँ का प्यार दूंगी, तू चलेगी ना मेरे साथ? वो बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। काफी देर तक जब टुनटुनी घर नहीं लौटती, पता नहीं ये लड़की कहाँ जाकर मर गई, अभी तक घर नहीं आई। लगता है शरीफा तोड़ते समय नदी में डूबकर मर गई होगी। अच्छा ही हुआ इस लड़की से मेरा पीछा छूटा, बंटी पूछेगा तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। शाम को जब बंटी घर आता है तो टूनी रोना शुरू कर देती है। बंटी पता नहीं टुनटुनी कहाँ चली गई, बहुत देर से घर में नहीं आई। कई दिन से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, लगता है वो उसी की खोज में चली गई। अरे पागल, तूने मुझे चिट्ठियाँ लिखकर बताया क्यों नहीं? पता नहीं मेरे बेटे किस हाल में होगी, मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बंटी को टुनटुनी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर लौट आती है। समय तेजी से गुजरने लगता है और टुनटुनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम
कौन हो बेटा? मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मुझे कैसे जानती हो? माँ, मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद अचानक मेरी आँखों की रोशनी चली गई और मैं अंधी हो गई बेटा, और एक तूफान में बंटी और पप्पू की मौत भी हो गई। मैं बर्बाद हो गई बेटा, बर्बाद हो गई। माँ तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे ही साथ रहोगी। फिर टुनटुनी और टूनी साथ साथ रहने लगती है।